संजय को छात्र व छात्राओं ने दी श्रद्धांजलि। स्कूल के छात्र छात्राओं ने रैली के माध्यम से सभी को जागरूक कर बेटियों की सुरक्षा की थी मांग। आगरा के अजनेरा में आज इंदिरा मंटेसनरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने अजनेरा थाने के सामने पार्क में संजलि को एक मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, संजलि को दिन दहाड़े जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना से सभी छात्र छात्राएं भयभीत हैं, इसलिए मौके पर मौजूद छात्राओं ने माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से बेटियों की सुरक्षा की मांग की। साथ ही साथ उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग की जो भेड़ियों के भेष में खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना दे सके। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नीम सिंह, प्रधान सुखबीर सिंह, कुंवर बहादुर सिंह आदि लोगों ने बेटी संजलि के साथ हुई घटना की कड़ी निंदा की और आगरा एसएसपी के थाना प्रभारी गिरीश गोतक को ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही मांग की कि ऐसे अपराधियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए, जिससे अपने देश की बहन बेटियां व आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। मैं उनके लिए बहुत प्रेरित हूँ कि उनका नाम अंजलि है। उनके साथ जो भी घटना हुई है बहुत गलत हुई है। क्या आपने आपको सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? नहीं, क्योंकि जब वो ही नहीं सुरक्षित है तो शायद हमारे साथ भी कोई घटना हो सकती है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि उनको कानूनी उनको न्याय देना चाहिए और उनको कानूनी सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए और उनको बहुत कड़ा दंड दिया जाए। आज भी श्रद्धांजलि किन को दी है? श्रद्धांजलि इसलिए की है, ये जो बहन संजलि है ना, हम इनको न्याय दिलाना चाहते हैं। लेकिन सर, ये जो हो रहा है इस योगी राज में और मोदी राज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर गुंडा राज फैला है। क्या अपने आपको या आपकी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? सर, थोड़ी अपनी भी थोड़ी शक्ति चल रही है, इस वजह से सुरक्षित हैं, वरना ऐसे छोड़ दिया जाए तो सुरक्षित कोई नहीं। आप क्या चाहते हैं इनके जो लोगों कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई है, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए उन्हें, उन्हें बिल्कुल निर्दोष ना छोड़ा जाए। बेटे ये देखते देखते और आगे जो नहीं होना चाहिए वो होने लग जाएगा। क्या नाम है आपका? जुनैद जाधव। आज मेरी बेटी के साथ बड़ा भयंकर अत्याचार हुआ है, उसको अपनी श्रद्धांजलि उसको अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनके माता पिता और परिवार के लोगों को ऐसे संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जैसे भी जिस तरीका से उसके साथ ये कृत्य हुआ है, ये समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति और सभ्यता के लिए एक घातक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह की हमारी समाज है, जिस तरह की हमारी संस्कृति है, जिस तरह की हमारी सभ्यता है, उसको बनाए रखने का हमारी पूरी सामाजिक लोगों का दायित्व है। हमारा सरकार से निवेदन है कि ऐसे कुकृत्य व्यक्तियों को किसी भी तरह से बख्शा न जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। कुंवर बहादुर मिश्रा। आज जो शांति मार्च निकाला, किस ये जो संजलि बेटी है इसके साथ में बहुत ही बड़ा अत्याचार हुआ है, जिससे कि पूरी दुनिया का दिल जो है द्रवित हो गया। आज हमने बहुत ही द्रवित होकर के उस बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना की, अपने बच्चों को भी बताया और हम जो है प्रशासन से और अपनी सरकार से ये निवेदन करते हैं कि ऐसे अत्याचारियों को तो ऐसी सज़ा दी जाए कि अपराध की पुनरावृत्ति, इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। बेटियों के साथ में इस प्रकार के अत्याचार तो हो ही ना। हमारा प्रशासन भी अच्छा है, हमारी सरकार भी अच्छी है, किंतु ऐसे दुराचारी हमारे प्रशासन और हमारी सरकार दोनों को बदनाम करते हैं। हमारी सरकार को अच्छा कार्य करते हुए भी बदनाम करते हैं, हमारे समाज को भी बदनाम करते हैं,
हमारा समाज भी पीड़ित रहता है और हमारा प्रशासन भी ऐसे लोगों से परेशान रहता है। तो ऐसे अत्याचारियों के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे कि ऐसे अत्याचारी कभी समाज के अंदर ऐसी चीज़ कर ही ना पाए। मैं यही प्रार्थना करता हूँ अपने पूरे समाज से, समस्त विद्यालयों से, समस्त अजमेरा वासियों से और अपने प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसा किया जाए जिससे कि बेटियों के साथ में इस प्रकार का अत्याचार ना हो और वो स्वतंत्र भाव से अपनी शिक्षा प्राप्त करें, स्वतंत्र भाव से अपनी देश और अपने समाज की उन्नति कर सकें। इसी के साथ में निवेदन करते हुए अपने दो विचार समाप्त करता हूँ।